पूरे देश में रोहिंग्या वाली बात गूंज रही है। बीजेपी नेताओं के बयान कोर्ट में, सड़क पर, हर चुनावी मैदान में, रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा। ठीक ठीक, इस बयान को आप ध्यान से सुनिएगा और इस बयान को ध्यान से सुनना चाहिए। यह कहानी क्या है पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। पहले यह बयान सुनिए। रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग बाय बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग बाय बांग्लादेश आते हैं और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है फिर भी बाय बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से, आपने कहा रोहिंग्या कभी स्वीकार नहीं होंगे, करेक्ट करेक्ट। अब एक और बयान मैं आपको सुनाता हूं, फिर मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा। दूसरा बयान भी अमित शाह जी का है और यह बयान उन्होंने उत्तराखंड चुनाव के वक्त दिया था। अब इस बयान को भी ध्यान से सुनिएगा, फिर उसके बाद मैं बताता हूं यह बयान मैंने बैक टू बैक दोनों बयान आपको क्यों सुनाए और मैंने क्यों कहा कि 5 मिनट में पटाशेप हो जाएगा कहानी का। प्लीज आप इसको भी प्ले करिए। तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है और उत्तराखंड के पहाड़ों पर अब रोहिंग्या दिखना शुरू हो गए हैं। मित्रों, रोहिंग्या मुस्लिमों को घुसाने का काम उनके नेतृत्व में चल रहा है। मगर मैं आपको वादा करने आया हूं, आप गंभीर साहब को जिता दीजिए, हमारे धामी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, रोहिंग्याओं को चुन चुन कर निकालने का काम एक भारतीय जनता पार्टी। सर, अब तक कितने रोहिंग्या को आप लोगों ने वापस भेजा? मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन शायद 12,000 रोहिंग्या वापस गए हैं मेरे ख्याल से। 12,000 नंबर नहीं है, मेरे पास नंबर नहीं है। आपके पास नंबर नहीं है? मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैंने वो वाला होमवर्क, नंबर का होमवर्क, होम मिनिस्ट्री का नंबर नहीं देखा है मैंने। जितने भी गए हैं वापस, जितने गए हैं, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है प्रीतपाल जी। मेरे ख्याल से आप बहुत हल्के में ले रहे हैं मेरे को। 2017 से लेकर मेरा क्षेत्र अधिकार नहीं है वो, तो इसलिए वो नंबर मेरे पास नहीं है। आपके पास नंबर नहीं है? मैं आपको बता देता हूँ, शशि थरूर साहब, मैं उनका एक लेटर जो उन्होंने सवाल पूछा था सदन में, इस प्रयास की सच्चाई क्या है, आपका प्रयास जिसका आपने कहा मेरे पास कोई फिगर नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं और देश को अब देखना चाहिए। ये लेटर देखिए सर, इस प्रयास की हकीकत सच्चाई क्या है आपके सामने है। फरवरी 2019 में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने सदन में पूछा कि रोहिंग्या को म्यांमार भेजे जाने को लेकर क्या कदम उठाए गए और इनकी कितनी संख्या है। इस लेटर को ध्यान से देखिएगा, जो सदन में जवाब दिया गया उसमें बताया ये गया कि रोहिंग्या की संख्या कितनी है, इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया। इसमें यह बताया गया जवाब में कि 12 नागरिकों को, बिल्कुल सही सुना आपने, जो आप 12,000 कह रहे थे, ये 12 सिर्फ महज 12 नागरिक हैं जिन्हें वापस भेजा गया। 2017 से भेजे जाने की बात हुई मगर आपने भेजे 12। आपके मुताबिक अराउंड 1,000 रोहिंग्याज अभी डिटेन्ड हैं, एज रिपोर्टेड बाय दिस वेबसाइट विच इज अ वेरी फेमस वेबसाइट, और 235 डिपोर्टेड हैं जिसमें 20 माइनर हैं, और करीब 6,00,000 रोहिंग्या म्यांमार से उठ के बांग्लादेश में आए, बांग्लादेश से उठ के हिंदुस्तान में आए करीब 40,000 से 50,000 रोहिंग्या। ये नंबर थोड़ा अभी वेरिफिकेशन का प्रोसेस चालू है। आपने बताया 12 है, मैंने वही आंकड़ा आपको दिखाया सर। हाँ कोई बात नहीं, वो 2021 की बात है, हम 22 में। अच्छा, 22 में। तो सर इनको भेजते कहाँ हैं आपने, बाय द वे, जब आपने कहा इनको कहाँ भेजा आपने? मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, ये इसमें सिर्फ ये लिखा है कि डिपोर्ट किया गया है। नहीं, किया होगा ना सर, क्योंकि मेरे क्षेत्र अधिकार में नहीं। सर आपने कहीं तो भेजा होगा, मल्टीपर्पज आदमी नहीं हो। जैसे कि आपने प्रश्न किया कि अगर डिपोर्ट करना है तो कहाँ करना है, तो जिस देश से आए हैं या तो वहां भेजना है या जिस देश के रहने वाले हैं वहां भेजना है, तो उधर उनसे बात करनी पड़ेगी। सर वाया बांग्लादेश आ रहे हैं ना, गृह मंत्री जी बता रहे थे, वो आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे ना। अच्छा ठीक, वो अपने क्षेत्राधिकार में नहीं है ना, फिर अपन घुसने की कोशिश कर रहे हैं किसी और के क्षेत्राधिकार में। वाया बांग्लादेश आ रहे हैं, वही ये बात कर रहे थे, मैं वही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर है ना हमारा। हाँ
तो वहीं से तो आ रहे होंगे जी, नहीं तो कहीं और आ रहे तो वहां भेज देंगे। अपने को इंटेलिजेंस इतनी है, सिस्टम अपना इतना काम करता है। अच्छा, तभी वेरिफिकेशन नहीं हो पाया 8 साल में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा। अरे मैं आपको दिखाऊं, मैंने टू द पॉइंट बातें लिखी हुई है सर। मैं टू द पॉइंट ही बात करूंगा जी। अब ये दो ट्वीट जिनका जिक्र आपने किया आपकी स्क्रीन पर होंगे, हरदीप पुरी का ट्वीट। हरदीप पुरी के ट्वीट में आप देख रहे होंगे उन्होंने जो लिखा है उसी से जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न सवाल यह कि रोहिंग्या का फ्लैट देने का ऐलान क्योंकि वो कर रहे हैं अपने ट्वीट में, ये विदेश मंत्री या गृह मंत्री को करना चाहिए था ये जो ऐलान हुआ, या केंद्रीय शहरी विकास मंत्री को ये ऐलान करते हुए लिखना चाहिए था कि ये लैंडमार्क फैसला है। मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा था। हरदीप पुरी बहुत बढ़िया, मैं दिल से शुक्रिया करता हूं आपका कि आपने ये प्रश्न किया और बहुत बढ़िया है, इंटेलेक्चुअल प्रश्न है और मैं इसका बहुत सटीक सिंपल साधारण उत्तर दे देता हूं कि जब हम लोग एक टीम में काम करते हैं, हरदीप पुरी कोई बच्चे मंत्री तो है नहीं, बच्चे नेता तो है नहीं। आई एग्री विद यू। जब हम लोग बहुत सीनियर नेता हैं, बताऊं कि जब अपन टीम में काम करते हैं, सरकार एक टीम वर्क है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं, ये टीम वर्क है। नहीं, मैं मुझे एक बात बताइए, हरदीप पुरी जी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं, करेक्ट? ठीक है सर, मामले की बारीक जानकारी उनको ना हो, उनको समझ ना हो, ये मैं नहीं मान सकता। ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन एक बार क्या होता है, वो कुछ बोलेंगे तो हम उसको उस तरह एक बार को तो समझेंगे ना, सिरे से तो खारिज नहीं करेंगे ना कि मैं पहले वो कर लूं। भाई रिस्पॉन्सिबल लोग हैं हम लोग। अब ये ट्वीट देखिए आप, वो रोहिंग्या रेफ्यूजी सबका इस्तेमाल कर रहे हैं हैशटैग करते हुए, आप समझ रहे हैं ना, हैशटैग रोहिंग्या रेफ्यूजी। अब मुझे एक बात बताइए, अगस्त 2021 में गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक जवाब दिया, लोकसभा में जवाब देते हुए गृह मंत्रालय ने यह बताया कि 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन पर हमने दस्तखत नहीं किए, हमने उस पर कोई दस्तखत नहीं किए। सरकार ने बताया, सदन में बताया, मुझे पूरा यकीन है सही बोला होगा, लेकिन हरदीप पुरी जो कि शहरी विकास मंत्री हैं, वो अपने ट्वीट में 1951 के कन्वेंशन के सम्मान का जिक्र कर रहे हैं। करेक्ट, तो हाँ, कोई बात नहीं ना, क्यों आप समझे नहीं बात। आप देखिए, जब सरकार चलती है तो सरकार में हरदीप पुरी अभी IFS नहीं है, वो अपने एक्सपीरियंस से आ चुके हैं। वो अगर ट्वीट में रेफरेंस दे रहे हैं UNHRC का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया सिग्नेटरी है। आप पोजीशन को कॉन्ट्रडिक्ट मत करने दीजिए। नहीं, आप कर रहे हैं ना सर, आपने 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन का जिक्र किया है, आपने अपने ट्वीट में किया, मैं दिखा रहा हूं आपको। लेकिन एक बात बताइए, मैं आम आदमी पार्टी का एक एक गोविंदा स्टाइल में मैंने कहा थोड़ा सा हल्की डिबेट करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें केवल समझ समझ का फेर है, राजनीति तो है नहीं इसके अंदर। अच्छा, समझ समझ के समझ ना समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी ना समझ में वो ना समझ है। बहुत बढ़िया, यही गोविंदा ने कहा था, आपने गोविंदा का जिक्र किया इसलिए मुझे याद आ गया। बहुत बढ़िया तिलक भाई, तो इसीलिए मैं तो येलो और ब्लू उनका ट्रेडमार्क है, तो मैं पहन के आया हूँ येलो और ब्लू। हाँ।